Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for easy and simple homemade chicken shawarma recipe. If anyone needs description in English, kindly visit to my Facebook page. The page link is available in description of this video. Chicken shawarma ki easy or simple recipe start karte hain. सबसे पहले आपको चिकन लेनी है, उसको मैरिनेट करना है. चिकन मैरिनेशन का प्रोसीजर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सिंपल वेजिटेबल्स थी कैरेट्स, ककम्बर, कैप्सिकम, सैलड लीव्स, गोभी एंड धनिया. इन तमाम को चॉप करके मैंने इस स्टीम देने के लिए एक स्टीमर बनाया, जिसमें थोड़ा सा पानी लिया देखिए मैंने, उसके ऊपर छन्नी रखकर वेजिटेबल्स डाल दी एंड उसको कवर कर दिया 5 to 10 minutes, ताकि हमारी वेजिटेबल्स रॉ ना रहें और जब हम उसको खा रहे हों तो कच्ची ना लगें. ऐसा आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल क्रिस्पी जो हैं वेजिटेबल्स बाहर आई हैं स्टीमर से. बट बिफोर डूइंग स्टीमिंग मैंने इसमें काम करा था कि 1/4 कप वाटर लिया था, वेनेगर एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट इसमें मिक्स करा था. देन मैंने सैलड लीव डाले थे और फिर इसको स्टीम दी थी. दूसरी तरफ मायोनीज 1/2 कप एंड 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम मैंने स्प्रेडर के तौर पर यूज़ करी है ऑन पीटा ब्रेड. अब पीटा ब्रेड में स्प्रेड करने के बाद मैंने चिकन स्प्रेड बारबेक्यू फ्लेवर यूज़ करा है, ताकि इसका टेस्ट इन्हेंस हो सके. ऐड केचप, उसके बाद केचप ऐड करने के बाद केचप इसलिए यूज़ करा ताकि इसका टेस्ट थोड़ा बूस्ट अप हो और फ्लेवर अच्छा आए. 12 टू 15 मिनट्स मैंने वो मैरिनेटेड चिकन जो हमने पहले कर चुके थे उसको मैंने शैलो फ्राई करा है और उसको मैंने पीटा ब्रेड में ऐड कर दिया है. बट ट्राई टू नॉट टू ओवरफिल योर पीटा ब्रेड, क्योंकि हमारे पास वेजिटेबल भी आनी है. वेजिटेबल मैंने बहुत सारी यूज़ करी हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था. ट्रस्ट मी, इसका वेजिटेबल्स का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था. मायोनीज मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड करी है और उसको केयरफुली टूथपिक से मैंने रैप कर दिया है ताकि ये खुले ना. That was my new recipe, pita salad, pita bread salad actually. That is really healthy and yummy. और इसका अगर आपको चाहिए recipe तो it's available on my Facebook page. उसका भी मैंने link दिया हुआ है in my description box. Thanks for watching my pictorial recipe. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you.